हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रेन यात्रा पर। आज हम बात करेंगे ट्रेन नंबर 19053 सूरत से खुलकर मुजफ्फरपुर को जाने वाली सूरत-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस के बारे में, जो कि जाती है वाया उज्जैन कानपुर के रास्ते। तो जानेंगे स्टेशन की सारी जानकारी, इसके हॉल्ट के बारे में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, मिलता हूं छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर रेल यात्रा से पहले एक बार हो जाए ट्रेन यात्रा। दोस्तों 19053 सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ये एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और ईस्टर्न की देखरेख वेस्टर्न रेलवे जोन अपने अंदर करती है। ये एक सप्ताह, मतलब ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन सूरत से हर शुक्रवार को खुलती है मुजफ्फरपुर के लिए। 2140 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस ये ट्रेन 46 घंटे 20 मिनट पूरा करती है। इसके सूरत से लेकर मुजफ्फरपुर तक तकरीबन 25 हॉल्ट आते हैं। 46 किलोमीटर पर आवर्स की एवरेज स्पीड रहती है। 200 लोको रिवर्सल होता है इसका बीना जंक्शन में और शाहगंज जंक्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है। जो यात्री सूरत से मुजफ्फरपुर ट्रैवल करते हैं वाया उज्जैन, झांसी, आगरा, कैंट, कानपुर, लखनऊ के रास्ते, काफ़ी रश रहता है अगर आप इसमें, मतलब हॉलीडे के टाइम अगर आप इसमें ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। मैं बता दूं इस ट्रेन के जो है पेंटी कार की सुविधा बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें पेंटी कार का कोच नहीं है। तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना खाने पीने का सारा सामान इस ट्रेन में साथ लेकर चलें। लोकोमोटिव की बात करूं तो मैं बता दूं इसमें सूरत से लेकर रतलाम तक वडोदरा सेट का WAP-4E इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यूज होता है। वही रतलाम में फिर लोकोमोटिव चेंज होता है। तो रतलाम से आगे बीना तक इस ट्रेन में रतलाम सेट का WDM-3A ये लोकोमोटिव डीजल वाला यूज़ होता है। वहीं फिर बीना से आगे लखनऊ तक इसमें कानपुर सेट का WAP-4 फिर से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यूज़ होता है। वहीं लास्ट में जो लोकोमोटिव इसको मुजफ्फरपुर ले जाता है वो होता है लखनऊ सेट का। लखनऊ में लोकोमोटिव चेंज होता है। तो लखनऊ से आगे मुजफ्फरपुर तक लखनऊ सेट का WDM-3D डीजल वाला लोकोमोटिव यूज़ होता है। दोस्तों इस ट्रेन में आपको मिल जाएगा, पेंटी कार को तो नहीं है, तो अपना खाना पीने का सारा सामान साथ लेकर चलें। वहीं आपको इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग, जो हमारे ट्रेन में हमको खाने चिप्स वगैरह जो बेचने आते हैं वो सुविधा मिल जाएगी। वहीं आप बाहर से खाना मंगा सकते हैं, IRCTC की वेबसाइट से ई कैटरिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करता हूँ सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में। दोस्तों इस ट्रेन में आपको मिलेगा 3rd AC क्लास का। जी हाँ, इसका किराया कितना है मैं बताऊंगा सूरत से मुजफ्फरपुर तक का। तो इसमें 3rd AC क्लास का 3 डब्बा यूज़ होता है। जी हाँ, इसमें सिर्फ 3rd AC क्लास का ही AC कोच है, जिसका मात्रा है 3 कोचेस, जिसका किराया है ₹1,980। वहीं आपको इस ट्रेन मिलेंगे स्लीपर के 9 डब्बे, जिसका किराया है ₹740 पर पर्सन, जिसका किराया मैं बता रहा हूँ मैं सूरत से मुजफ्फरपुर तक का। वहीं जनरल के डब्बे हैं इसमें 6, क्योंकि इसमें काफ़ी लोकल रश ज़्यादा रहता है तो जनरल की संख्या ज़्यादा है। 6 डब्बे जनरल के हैं, जिसका किराया है ₹424 पर पर्सन। अब बात करते हैं सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस के टाइम टेबल, रूट, हॉल्ट के बारे में। दोस्तों ये ट्रेन सूरत से हर शुक्रवार को खुलती है सुबह में 6:10 पर प्लेटफॉर्म 4 से मुजफ्फरपुर जंक्शन के लिए, जिसका अगला स्टेशन वो है वडोदरा जंक्शन। सुबह में 8:20 पर वडोदरा पहुंचती है 10 मिनट रुकने के बाद। सुबह में 8:30 वडोदरा के प्लेटफॉर्म में 2 से रवाना होती है। दोस्तों अभी पहुंचती है दाहोद सुबह में 11:03 पर। दाहोद में 1 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 11:04 पर दाहोद के प्लेटफॉर्म में 3 से खुलती है मुजफ्फरपुर के लिए। अब सूरत मुजफ्फरपुर ट्रेन पहुंचती रतलाम जंक्शन दोपहर में 12:50 पर। रतलाम में 10 मिनट का हॉल्ट है। दोपहर में 1:00 रतलाम के प्लेटफॉर्म में 6 या 7 से खुलती है मुजफ्फरपुर के लिए। अभी पहुंचती नागदा जंक्शन दोपहर में 1:43 पर। नागदा में 2 मिनट का हॉल्ट है। दोपहर में 1:45 पर यहाँ से रवाना होती है। अभी हमारी जो ट्रेन पहुंचेगी वो है उज्जैन जंक्शन दोपहर में 2:40 पर। उज्जैन में 20 मिनट का हॉल्ट है। शाम को 3:00 उज्जैन के प्लेटफॉर्म में 6 से रवाना होती है 20 मिनट रुककर। अभी पहुंचती है मकासी जंक्शन शाम को 3:48 पर। मकसी जंक्शन में इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। शाम को 3:50 पर यहां से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अब सूरत मुजफ्फरपुर ट्रेन पहुंचती है दोस्तों वो होती है बेवारा राजगढ़, शाम को 5:54 पर यहां पहुंचती है 2 मिनट रुकने के बाद। शाम को 5:56 पर यहां से रवाना होती है। अभी पहुंचती है गुना जंक्शन, गुना जंक्शन पहुंचती रात में 8:10 पर। यहां पर इसका 10 मिनट का हॉल्ट है। रात में 8:20 पर गुना के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है। दोस्तों अभी ट्रेन पहुंचती है अशोकनगर रात में 9:08 पर। अशोकनगर में 2 मिनट का हॉल्ट है। रात में 9:10 पर अशोकनगर के प्लेटफॉर्म में 2 से रवाना होती है।
दोस्तों अब सूरत मुजफ्फरपुर ट्रेन पहुंचती रात में 11:55 पे बीना जंक्शन, यहाँ पे इसका 25 मिनट का हॉल्ट है। रात में 12:20 पर बीना जंक्शन के प्लेटफॉर्म 4 से रवाना होती है और यहाँ पे इसका लोको रिवर्स भी होता है। अब ये पहुंचती झांसी जंक्शन सुबह में 3:05 पर, झांसी में 10 मिनट का हॉल्ट है, सुबह में 3:15 पर यहाँ से रवाना होती है। अब ये पहुँचते ग्वालियर जंक्शन सुबह में 4:25 पर, ग्वालियर में 5 मिनट का हॉल्ट है, सुबह में 4:30 ग्वालियर के प्लेटफॉर्म 2 या 3 से रवाना होती है मुजफ्फरपुर के लिए। अब ये पहुँचती आगरा छावनी आगरा कैंट सुबह में 7:00, यहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, सुबह में 7:05 पर यहाँ से रवाना होती है। अब ये पहुँचती है टुंडला जंक्शन सुबह में 8:25 पर, टुंडला में भी 5 मिनट का हॉल्ट है, सुबह में 8:30 यहाँ से रवाना होती है। दोस्तों अब ये पहुँचती है कानपुर सेंट्रल दोपहर में 12:00, कानपुर में 10 मिनट का हॉल्ट है, दोपहर में 12:10 पर कानपुर के प्लेटफॉर्म में 5 से रवाना होती है मुजफ्फरपुर के लिए। अब ये पहुँचती है लखनऊ चारबाग रात में 1:45 पर, यहाँ पे इसका 25 मिनट का हॉल्ट है, दोपहर में 2:10 पर लखनऊ चारबाग के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से खुलती है। अब ये पहुँचती है फैजाबाद जंक्शन शाम को 4:29 पर, फैजाबाद में 5 मिनट का हॉल्ट है, शाम को 4:34 पर यहाँ से रवाना होती है। अब सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस पहुंचती है अयोध्या जंक्शन शाम को 5:03 पर, अयोध्या में 2 मिनट का हॉल्ट है, शाम को 5:05 पर यहां से रवाना होती है। अभी ट्रेन पहुंचती है शाहगंज जंक्शन रात में 8:30, शाहगंज जंक्शन में 25 मिनट का हॉल्ट है, रात में 8:55 पर यहां से खुलती है और यहां पे इसका लोको रिवर्स भी होता है। दोस्तों अब ये पहुंचती है आजमगढ़ रात में 10:05 पर, आजमगढ़ में 5 मिनट का हॉल्ट है, रात में 10:10 पर आजमगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खुलती है। अब सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस पहुँचती है मऊ जंक्शन रात में 11:00, मऊ में 10 मिनट का हॉल्ट है, रात में 11:10 पर मऊ के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से खुलती है मुजफ्फरपुर के लिए। अब सूरतपुर एक्सप्रेस पहुंचती है बलिया रेलवे स्टेशन रात में 12:30, बलिया में 5 मिनट का हॉल्ट है, रात में 12:35 पर बलिया का प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुलती है। अब ये पहुंचती है छपरा जंक्शन रात में 1:50 पर, छपरा में 5 मिनट का हॉल्ट है, रात में 1:55 पर छपरा के प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 से आगे बढ़ती है। अब ये पहुंचती है सोनपुर जंक्शन सुबह में 3:00, सोनपुर में 2 मिनट का हॉल्ट है, सुबह में 3:02 पर यहाँ से रवाना होती है। अभी ट्रेन पहुंचती दोस्तों अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन हाजीपुर जंक्शन सुबह में 3:15 पर, हाजीपुर में 5 मिनट का हॉल्ट है, सुबह में 3:20 पर यहां से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 4 या 5 से। अब सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस अपने डेस्टिनेशन पहुंचती है मुजफ्फरपुर जंक्शन सुबह में 4:30 पहुंचती है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 पर लगती है अपनी 2140 किलोमीटर की दूरी तय करके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।